बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। तो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की थी कि ईद की कितनी छुट्टियां होंगी और ईद कब है। फिर भी उस वीडियो के नीचे काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट आए कि कोई कह रहा है ईद जुमे वाले दिन है, कोई कह रहा है हफ्ते वाले दिन है। आप बताएं, आप ईद कब है और ईद का टाइमिंग, कतर का टाइमिंग ईद की नमाज का कब है, ठीक है ना। तो किन किन मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ाई जाएगी, ये तीन बातों सवालों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। अभी सैरी का भी टाइम होने लगा है, तकरीबन आधा घंटा रह गया, इसीलिए अभी नींद नहीं पूरी, जबान थोड़ी लड़खड़ा रही है, एडजस्ट कर लें आप। तो पहला सवाल है कि ईद कतर में कब है। ईद जुमे वाले दिन है, 21 अप्रैल को। मैं अगस्त कहने लगा था, 21 अप्रैल को जुमे वाले दिन कतर में ईद है, ठीक है ना। और दूसरा सवाल है हमारा कि ईद की नमाज कितने बजे होगी। ईद की नमाज सुबह 5:12 पर होगी, ठीक है ना। बाकी फजर की नमाज हो जाती है कोई 4 बजे तक, अजान हो जाती है नमाज के बाद, फजर की नमाज के आधे घंटे के बाद तकरीबन 5:12 पर आपकी ईद की नमाज होगी, ठीक है ना। और तीसरा सवाल कि ईद की नमाज किन मस्जिद में पढ़ाई जाएगी। पहली उन सब मस्जिद में जो बड़ी बड़ी मस्जिद है ना, बड़ी बड़ी, छोटी मस्जिद है उसमें नहीं पढ़ाई जाएगी। अगर उस मस्जिद के बाहर काफ़ी जगह है कि आप बाहर भी वो जानमाज बिछा कर बैठ जाएँ तो फिर बाहर वो मस्जिद भी ठीक है, लेकिन मस्जिद अगर बड़ी है और उसके आगे भी जगह बहुत ज़्यादा है फिर वो मस्जिद है। और काफ़ी उन्होंने लिस्टें वगैरह अपलोड की हैं कतर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर कि किन किन मस्जिद में नमाज पढ़ाई जाएगी, और उस लिस्ट में काफ़ी मस्जिद का नाम है। आप समझ लें कि हर मस्जिद कतर में, मैंने जब जहाँ तक देखी है, हर मस्जिद बहुत बड़ी है, खुली, काफ़ी लंबी जगह है उनमें। मसलन आप को हर मस्जिद जो भी आपके घर के नज़दीक है उसमें आप पढ़ सकते हैं, मुश्किल की बात नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाएं वो भी आप बताइएगा, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जॉब्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी आप बताइए, ताकि हम अपलोड करें आपके लिए, इंफॉर्मेशन लेकर आपको इंफॉर्मेशन दें, ठीक है ना। तो भी आपने अगर इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, यूज़र नेम आपको शो हो रहा होगा। और सबसे लाजमी बात कि अभी कतर एक्सपोस 2023 शुरू होने वाला अक्टूबर में, तो काफ़ी जॉब्स की जो जॉब्स निकलेंगी आप अप्लाई कीजिएगा। आप ऑनलाइन रहें, नेट देखते रहें, अगर कतर में विजिट वीज़ा और आज़ाद वीज़े पर हैं तो फुल एक्टिव हो जाएं, क्योंकि अभी जॉब्स ओपन हो जाएंगी, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो मौके को जाने मत दें, वीडियो को भी लाइक कर दें।